एक ही परिवार के चार बच्चों को दलित होने का दंश झेलना पड़ रहा है। जो बच्चे पढ़कर कुछ बनना चाहते थे उनको स्कूल से ही निकाल दिया गया। दलित होना बच्चों को पड़ा भारी, प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाला बाहर। दर दर भटक रहा बच्चों का पिता, जुल्मी प्रिंसिपल से कौन दिलाएगा इंसाफ। ये भोले भाले बच्चे जो बड़े शौक से स्कूल जाते थे और जिंदगी में कुछ बनने का सपना पाले थे, आज ये बच्चे घर पर हैं और इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बच्चे दलित हैं और इनका पिता प्रिंसिपल को वक्त पर मोटी फीस नहीं दे पाया, जिससे प्रिंसिपल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने बच्चों के पिता को स्कूल बुलाकर जमकर खरी खोटी सुनाई और बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। पर साहब हमको बोल रहे हैं कि यार पढ़ाने की औकात नहीं है, तुम हमारी फीस नहीं जमा कर पाते हो, क्यों हमारे विद्यालय में पढ़ाते हो। मैंने कहा सर मैंने फीस बकाया नहीं हूँ आपका, फीस हमारा शुल्क देख लीजिए। कह रहे हैं कि नहीं अब शुल्क बाकी है। हमने कहा शुल्क बाकी ही नहीं है, इसने भी कह रहे भाग जाओ, पुलिस बुलवा के भी पिटवाऊंगा और भाग यहां से, हमारे विद्यालय मत पढ़ाना, तो बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। शोहरतगढ़ कस्बे के निवासी शिव कुमार के चार बच्चे घर के पास में ही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने जाते थे। शिव कुमार एक महीने समय पर फीस नहीं जमा कर पाया तो प्रिंसिपल ने रहम दिखाने के बजाय बच्चों को ही स्कूल से बाहर निकाल दिया। प्रिंसिपल ने शिव कुमार को ऐसे ऐसे शब्द कहे जिससे शिव कुमार काफी अपमानित महसूस करने लगा। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि फीस जमा न होने की वजह से बच्चों का नाम काटा गया था। फिलहाल डीएम ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। गार्जियन लड़ता है आकर के, विद्यालय के अनुशासन को नहीं मानता है, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा विकल्प किसी भी प्रधानाचार्य के पास क्या हो सकता है। ये चीज मेरी संज्ञान में आई है, अभी पता चला है हमको कि इस टाइप का कोई प्रकरण है, तो इसमें जांच करवा रहे हैं, अगर पुष्टि पाई जाएगी तो फिर इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। बीच सत्र में स्कूल से बच्चों को निकालने के पीछे प्रिंसिपल और अभिभावक की लड़ाई में बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ गया। अब सवाल यह है कि अगर सिर्फ एक महीने की फीस बाकी थी तो क्या बच्चों को स्कूल के बाहर निकाल देना चाहिए। राशिद फारूकी, भारत समाचार, सिद्धार्थनगर।